Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel Desi and Pardesi Food with Amna. Please subscribe to our channel and press the bell icon. Aaj main banane ja rahi hoon eggless dry fruits and nuts. Jisme hain bahut sare dry fruits, nuts jaise walnuts wagaira. Ye aapko is cake mein milenge. Ye bahut hi mazedar bhi aur bahut hi healthy cake hai. To chaliye start karte hain apni recipe. Ye maine liye 250 gram sugar. Ye dekhiye, ye pisi hui hai, ghar ki pisi hui chini hai, simple si. इसके साथ 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है. मैदा और चीनी मैंने आपको पहले भी कहा है, इसका प्रोपोर्शन सेम रहता है, 250 ग्राम एंड 250 ग्राम शुगर और ऑल पर्पस फ्लोर. लेकिन जो ऑयल या बटर आप यूज़ करते हैं वो इससे हाफ होता है, यानी 125 मिलीलीटर है ये, ठीक है. उसके साथ है ये 100 ग्राम दही, क्योंकि मैंने इसमें एग नहीं ना डाल रही तो मैं दही 100 ग्राम यूज़ करूँगी. साथ में इसके ये देख सकते हैं, ये बादाम है, इसका क्रश हुए, ये पिस्ताचू है, पिस्ता है, ये काजू है, इसके साथ में ये रेजिन यानी जिसे हम किशमिश भी कहते हैं वो है, और ये ढेर सारे वॉलनट्स हैं मैंने इस तरह क्रश किए हुए हैं, ठीक है. ये अखरोट और इसके साथ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हाफ हाफ टीस्पून, और साथ में वनीला एसेंस हम यूज़ करेंगे, चंद ड्रॉप्स जो हैं वनीला एसेंस के भी हम डालेंगे. और साथ में इसके साथ हम लेंगे 100 मिलीलीटर मिल्क है, ठीक है. थोड़ा सा वार्म ले रही हूँ मैं. चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी. सबसे पहले मैं लूँगी शुगर, चीनी जो मैंने ली थी 250 ग्राम, शुगर जो मैंने ली थी 250 ग्राम, ठीक है, उसको मैंने लिया है. इसके साथ इसमें जो मैंने आपको बताया था कि 125 ml यानी कि 125 मिलीलीटर जो है ऑयल जो मैंने लिया है वो डाल दिया है. और इसके साथ मैंने जो दही लिया 100 ग्राम ये मैं डाल रही हूँ. अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मैं हैंड विस्कर से विस्क करूँगी. अच्छा जी, हैंड विस्कर से अच्छी तरह से दही, चीनी और ऑयल मैं रिपीट कर रही हूँ. मैंने लिया था 250 ग्राम चीनी यानी 250 ग्राम घर की पीसी हुई चीनी, उसके साथ 125 मिलीलीटर मैंने ऑयल लिया, बटर भी यूज़ कर सकते हैं. साथ में मैंने दही लिया है 100 ग्राम, ठीक है. तो इनको अच्छे से आप विस्क करें अच्छी तरीके से. अब ये अच्छे से विस्क कर लिया, इसके साथ मैं डाल रही हूँ जो मैंने 100 ml, ये मैंने आपको बताया था मैंने थोड़ा सा गर्म दूध लिया, ठीक है, वो मैं मिक्स कर रही हूँ. अभी मैंने थोड़ा डाला है, पूरा नहीं डाला, पहले इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डालूँगी तब मैं जो है ना बाकी देखूँगी कि दूध जो है कितना और चाहिए मुझे. हमारे सारे लिक्विड वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रेडी हो गए. अब हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं अब उनको जो है एक सिफ्टर में एक मतलब छाननी ले कर उससे छानेंगे. अच्छा जी, अपने 250 ग्राम यानी 250 ग्राम मैदा जो लिया था वो डाल दिया इसमें हमने. इसके साथ हमने डाल दिया ये बेकिंग पाउडर है, 1 teaspoon है फुल, ठीक है. और इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा. मैंने 1 teaspoon डाल दिया था बेकिंग पाउडर और उसके साथ मैं डाल रही हूँ 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा, ठीक है जी. अब मैं इनको अच्छे से छान लूँगी और फिर हम इसको अपने लिक्विड जो हमने रेडी की है उसके अंदर जो है ना मिक्स करेंगे. अच्छा, हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट मैंने शिफ्ट कर लिए. अब मैं इसको जो अपने लिक्विड वाले थे उसके अंदर थोड़ा थोड़ा यूं करके डाल दें इसको, ठीक है, और साथ ही हैंड विस्कर से मिक्स इसको अच्छे तरीके से करते जाएं. अब इसको अच्छे तरह से मिक्स करें. अच्छा, अब हमने एगलेस केक बनाया तो इसको ज़रा सा येलोश सा टेक्सचर देने के लिए, क्योंकि जब अंडे डालते हैं तो ऑटोमेटिकली केक को जो येलो कलर है ना वो मिल जाता है. अब हमने अंडे तो नहीं यूज़ किए तो मैं थोड़ा सा ये देखें, एक पिंच जो है, जस्ट 1 pinch जो है ना मैंने येलो फूड कलर जो है ना इसमें यूज़ कर रही हूँ. इस तरह थोड़ा सा इसका बैटर का देखिएगा आप कलर के, थोड़ा सा येलोश सा हो जाएगा, ठीक है. देखते हैं आपके इसका कलर जो है वो थोड़ा सा येलो होना शुरू हो गया. ये देखिए इस तरह से, अंडे नहीं डाले मैंने. अच्छा, इसके साथ ये जस्ट 2 ड्रॉप्स जो है ना मैं वनीला एसेंस किसके डाल रही हूँ, ठीक है, 2 ड्रॉप्स हमने वनीला एसेंस के डाल दिए. साथ में सारे ड्राई फ्रूट्स, ये है आलमंड यानी बादाम, इसके साथ है ये किशमिश और यानी रेजिन्स, काजू और पिस्ता, वो सब क्रश है. इसमें आप चाहे तो साबुत डालना चाहिए लेकिन क्रश का टेस्ट आता है. ये बहुत सारे अखरोट, नट, वॉलनट वो भी क्रश हुए हुए, इनको अच्छे से अब मिक्स करूंगी मैं. अब
अच्छा, अब इसको अच्छे से मिक्स कर, अब देखिए थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा होगी, जो मैंने दूध इसीलिए बचाया था कि जब मैं इसमें नट्स डालूंगी तो फिर इसको थोड़ा सा थिन करना होगा, तब मैं मिल्क ये उसके लिए कि जितना इसको थिन करना है उस हिसाब से मिल्क डालती जाऊंगी। अच्छा जी, हमारा परफेक्ट बैटर ये देख रहे हैं आप कि रेडी हो गया है। वॉलनट्स सारे इसके अंदर, सारे ड्राई फ्रूट्स सब इसमें जो है अच्छे से मिक्स हो गए। तो चलिए हम अपना मोल्ड जो है वो रेडी करते हैं और जिसमें हमने इसको बेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये देखिए, ये मैंने एक मोल्ड लिया है, आपके पास कोई भी शेप का मोल्ड है, इसको आप देख रहे हैं कि मैंने ऑयल से ऑलरेडी ग्रीस करके सारा रखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है इसमें ऑयल। अब मैं इसमें थोड़े से वाइट सिसमी सीड जो है ना बेस में डाल रही हूँ, थोड़ा सा वो ऊपर एक ज़बरदस्त सा जो है ना उसका नज़र आएगा, ये इस तरह अच्छी तरह से इसकी इस जगह के ऊपर भी मैं लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब हमारा मोल्ड रेडी है, तो जो मिक्सचर है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। आपके पास जैसा भी मोल्ड हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही वाला है तो आप यूज़ करें, आपके पास कोई सा भी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इससे मतलब शेप है एक ये। अब इसको हल्का सा यूँ आप टैप करें ताकि जो इसमें एयर बबल्स हैं वो बिल्कुल इसके ख़त्म हो जाए। अब हम इसको प्री हीटेड अपने देगचे के अंदर रखने जा रहे हैं। अच्छा, ये प्री हीटेड देखिए, ऑलरेडी इसको जल्दी से आप उठाएं आराम से और इसके अंदर जो है अपना मोल्ड जो है यूँ रख दें, ठीक है, देखो स्ट्रेट, और आप जल्दी से इसको बंद कर दें। 35 मिनट्स के लिए हम इसे बेक करेंगे। अब हमारा केक बेक हो गया, अब हम इसे देगचे के अंदर से निकाल लें, आप देख सकते हैं कि परफेक्टली हमारा केक बेक हो गया, अब हम इसे देगचे के अंदर से निकाल रहे हैं। केक हमने निकाल लिया, अब हम इसको थोड़ा देर से थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे, इसे मोल्ड में से निकालेंगे, अभी ये बहुत गर्म है इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। केक स्टैंड है आपके पास, मैंने आपको बताया था रैक, नहीं तो यूँ इस तरीके से प्लेट के ऊपर जाली रख के अब हम इसको जो है केक को मोल्ड में से बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त फ्लफ़ी और स्पॉन्जी केक हमारा रेडी हुआ है। मैं एक पीस आपको इसका कट करके दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें कि ये कितना सॉफ्ट केक जो है ना हमारा रेडी हुआ है। तो ये देखें, ये एक पीस मैंने कट किया है, ये देखें ज़रा, अभी बहुत गर्म है लेकिन देख सकते हैं आप किस कदर सॉफ्ट है, किस कदर फ्लफ़ी है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये फिर इस तरह टूटेगा नहीं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।